हमारे चैनल अवस्थी वाइटेलिटी को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सौरभ कुशवाहा, कहाँ से हो आप? पुणे से, पुणे में लोहगांव गांव से। लो गांव। जी, लोहगांव। अच्छा, वहीं के रहने वाले हो आप? जी, अच्छा, एज क्या है आपकी? 20। 20। क्या प्रॉब्लम थी जो आप पूना से रायपुर आके इलाज करा रहे हो? मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद जब एमआरआई निकला तो उसमें पता चला कि लेगामेंट इंजरी हुई है। कौन से पैर का था? ये मेरे राइट राइट का। का था। ठीक है, ये कब की बात है? कितने समय पहले हुआ था? ये सितंबर में होता, सितंबर 2018 में। 18 में। फिर उसके बाद पूना में ट्रीटमेंट नहीं लिए क्या? वहाँ तो बहुत फेमस डॉक्टर्स हैं ऑर्थोपेडिक के। जी, दिखाया मैंने 4 से 5 डॉक्टर को दिखाया था और हर डॉक्टर ने सर्जरी का ऑप्शन दिया था। सभी डॉक्टर ने कहा था सर्जरी करना पड़ेगा, उसके सिवा नहीं होगा। तो बेसिकली मैंने खुद को ऐसा समझा कि इस उम्र में सर्जरी करवाना ठीक नहीं है, इसलिए फिर मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा, खुद ऐसे ही सर्च किया था इंजरी के लिए, बट वहाँ नीचे आपका भी आया था, वीडियो आया था सॉल्यूशन, इसमें व्यूज में। तो अच्छा, मैंने देखा और 3-4 वीडियो देखे, जेन्युइन लगे, तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। फिर पापा को बताया, पापा ने पहले तो बोला ऐसा नहीं होता, वो कैसे भरोसा करेंगे। फिर मैंने आपको कॉल किया था, कॉल पे अपना बात हुआ, फिर आपने बोला आ जाइए, फिर आए, बात किया, फिर पापा को भी सेटिस्फेक्शन हुआ, फिर कोर्स चालू किया आपके यहाँ। अच्छा, आपको कोई डर था क्या सर? पहले तो बहुत डर लगा मेरे हाँ, को, क्या बताइए, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए हम अपना। बोला ये तो ऐसे दिखाते रहते हाँ पैसा लूटने हो ऐसा ऐसा बिल्कुल। बोला। पर हमें बाद में जब आए पहली बार आपसे बात किया, 2 घंटे बैठ के बहुत संतुष्टि हुई, बहुत बहुत संतुष्टि हुई। तो जब वहां बोल दिए थे सर्जरी के लिए आपको, है ना, तो हाँ, क्या हाल था आपका, थोड़ा डिटेल में समझाइए। उससे पहले हमने एक पूना में एक हॉस्पिटल है, वो संस्था का है, अच्छा। उसमें हमने वो कराया था इसका एमआईआर। एमआईआर कराने के बाद वहाँ का वॉचमैन मेरे को बोला, बोला ये हाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये ऊपर बैठता है, इस पर जरा एक बार दिखा लो। हमने उसको दिखाया, दिखाया तो उसने बोला कि ठीक है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बोला ठीक है। कितना खर्चा है? बोला साहब 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आएगा इसको। तब हमारी थोड़ी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, हम दवाई लेने के लिए, उसने बोला ठीक है अभी एक काम करो ये दवा ले लो और 2-3 महीने में जब आप पैसे की व्यवस्था कर लो उसके बाद करा लेना। बोला ठीक है साहब। हम गए तो उसने दवाई लिख के दी मेडिकल को, हम मेडिकल में गए, मेडिकल से दवाई लेने के बाद उसको हम पेमेंट देने के लिए गए कार्ड से, तो पेमेंट नहीं लिया उसने हमारा। जब पेमेंट नहीं लिया तो हमने बोला कि ठीक है हम एटीएम से कैश लेके आते हैं। जैसे ही नीचे आए ना तो बच्चा एक ही था, वो फोन के साथ मेरे को बहुत बुरा लगा, हमें चक्कर आ गए, हम गिर गए वहाँ। अच्छा, वॉचमैन ने उठाया हमें, फिर हम अपने घर पे आए। आने के बाद हमने मतलब बहुत तकलीफ थी उस टाइम पे, बहुत बुरा होता। आज हम इतने खुश हैं ना साहब आपसे, डेली बोल रहे हैं अपने माँ बाप की कसम करके, हम बहुत खुश हैं आपसे। देखिए, आप उतने दूर से आ गए वो बहुत बड़ी बात है। लोग यहाँ 50 किलोमीटर से आना पसंद नहीं करते हैं, अपनी अपनी सोच है ना। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हो तो आपको आना चाहिए। आपने बहुत वो किया कि हाँ भाई आप आके कर, लेकिन रिजल्ट इसको दिख रहा है। क्या रिजल्ट दिखा आपको, ये बताइए। अपना ट्रीटमेंट कितना लंबा चला आपके साथ? अभी तो फिलहाल 4 से 5.5 महीने हुए शायद, अच्छा, 5.5 महीने कंप्लीट हो गए। ये साढ़े इलाज पांच हमने किया कैसे भाई? यहाँ बुला के कोई इंजेक्शन लगाए, सर्जरी करी, ये भी बता दो आप क्या किए? सिर्फ आपका दवाई है सिर्फ दवा बस, और कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं। यानी कि भाई मैं कोई एक्सरसाइज बताया या ऐसी कोई चीज बताया परहेज में जो दिनचर्या में करने में दिक्कत हुई, ऐसा कुछ? सिर्फ दवाई लेना था। सिर्फ दवाई लेना था। अच्छा, वर्किंग क्या करते हो आप? मैं अभी काम करता हूँ ऑफिस में। तो जब प्रॉब्लम थी तब भी करते थे कि जी अभी कर रहे हो? नहीं, स्टार्टिंग से एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी वही कर रहा था वही करते थे। सेम। तो भाई हमने मना तो नहीं कराया काम मत करो करके, ऐसा कुछ नहीं। नहीं ना? अच्छा, अभी जैसे कोर्स आपने बताया 5 से 6 महीने कवर अप हो गए, अभी अगर मैं 100% में पूछूं कितनी रिकवरी है तो आप क्या बताओगे? 75 to 80%। 80%। बाकी की ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप नहीं कर पा रहे हो नहीं, बाकी सब ठीक है, सब कर पाते हो? सब सही। जैसे कि रेगुलर रेगुलर जो एक्टिविटी है वो सब चालू, सीढ़ी नॉर्मल चढ़ना, उतरना, सब सही। दौड़ना, भागना कर लेते हो? जी अच्छा, ये जो वीडियो में आप बोल रहे हैं, है ना, ये कोई मेरी तरफ से फोर्स तो नहीं है? नहीं,
नहीं है। अच्छा अब ये बताइए आपका ट्रीटमेंट हुआ कहाँ, आप उतनी दूर से आए मेरे पास ट्रीटमेंट कराने, थोड़ा हमारा डिटेल बता दीजिए कहाँ कराए। सर का नाम है डॉक्टर अभिषेक अवस्थी, अवस्थी वाइटिलिटी, ये रायपुर में कटोरा तालाब के यहाँ पर है। वही से आपसे फोन पे बात हुई, एड्रेस पूछा है, बात की, जब पूरा सेटिस्फेक्शन हुआ तब दवाई लिया और हम ऐसे फिर गए, दवाई यूज़ किया, पहला कोर्स यूज़ किया, ऐसा कोई तुरंत रिजल्ट तो नहीं आया, पर कोर्स खत्म होते होते धीरे धीरे लगने लगा। हाँ धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगे, चलने में, उठने में, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने में, सब नॉर्मल एक्टिविटीज चालू हो गए। फिर सेकेंड कोर्स में क्या हुआ? सेकेंड कोर्स में बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया, जो नॉर्मल एक्टिविटीज में पहले भी करता था वो सेम सब करने लगा। थर्ड कोर्स में? थर्ड कोर्स में भी सेम चालू हो गया। आज आप फोर्थ के लिए आए हो है ना, जी और मैंने इस दौरान आपको कितने बार बुलाया रायपुर? जी स्टार्टिंग में मैं एक बार आया था और और अभी आया। आज बस? जी चलिए ठीक है। ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल फोर्स फोर्स तो नहीं है ना, फिर से आप बता दो एक बार। नहीं, नहीं जो है है ना, अपने मन से। सेटिस्फाइड है पूरा? जी, ठीक है आप बता दीजिए, नहीं सर सेटिस्फाइड है, कोई हमारी तरफ से फोर्स तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, पूरे खुश हैं एकदम ट्रीटमेंट से? एकदम बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाला आपको बहुत तरक्की देता हूँ, चलिए हमारे जैसे वो गरीबों तो का भला आपका हो, बड़प्पन है बिल्कुल। हमारे जैसे गरीबों का भला हो, आपसे हम क्या बताएं, बस ज्यादा मतलब बोलना भी। नहीं नहीं ठीक है, चलिए थैंक यू सर।